फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सॉरी बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। आपको जैसे पता है मेरी केक शॉप है, और आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमारी वो बिजनेस वाली वीडियो को। तो आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे मेरी हेल्प होती है, हमारे चैनल की हेल्प होती है, जिससे कि मैं आपको जितनी मेरे को नॉलेज है अभी तक, जितना मैंने सीखा है होटल इंडस्ट्री में 10 साल में, वो मैं आपको बता पाऊंगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जिससे कि मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से हम चॉकलेट डेविल केक बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा केक है, हालांकि अंडों के साथ है। तो जो लोग एग पसंद करते हैं या एग प्रिफर कर सकते हैं, तो उनके लिए आज ये बहुत ही अच्छी रेसिपी होने वाली है। चलिए शुरू कर लेते हैं फिर। तो ये रहा हमारा प्यारा सा चॉकलेट डेविल केक। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पानी 120 ml, और इसको हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम अपना इंडक्शन बंद कर देंगे। जब इंडक्शन बंद कर देंगे, उसके बाद हम इसमें अपने डालेंगे चॉकलेट, और चॉकलेट हमारी सारी इसमें मेल्ट हो जाएगी। अब देखिए जैसे हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। चलिए दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ हमने लिया है अपना बटर, अनसॉल्टेड बटर लिया है हमने 150 ग्राम, और अब हम लेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, घर में जो होती है उसे पीस के, या कैस्टर शुगर आती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर का अपना ही एक अच्छा टेस्ट होता है। तो बटर का हमें हमेशा याद रखना है, एक तो सॉफ्ट बटर होना चाहिए, दूसरा क्रीम जब हम करेंगे मशीन में, इसको क्रीमिंग मेथड कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ना करें, नहीं तो क्या होता है कि हमारा जो अंडा होता है और जो बटर होता है, ये सारा मिक्सचर सेपरेट हो जाएगा, कर्डल कर जाएगा। अंडे भी हमें एक एक करके डालने हैं। जब पहला अंडा मिक्स हो जाएगा, देखिए अब मैंने स्पीड बढ़ा दी है थोड़ी सी, और जब एक अंडा मिक्स हो गया, फिर दूसरा हमने डाल दिया था, वो वीडियो में थोड़ा स्किप हो गया, और ये अब हमने तीसरा अंडा डाल के अच्छी तरीके से क्रीम कर दे। देखिए हमारा बैटर कहीं से भी कर्डल नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। मैदा लिए हमने 200 ग्राम, कोको पाउडर डाल दिया हमने यहाँ 30 ग्राम, और ये रहा हमारा बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, और बेकिंग सोडा 4 ग्राम। आप कभी भी रेसिपी बनाएं बेकरी से रिलेटेड, तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करता आया हूँ कि हमेशा अपने घर में एक छोटा मिनी स्केल रखें, बहुत ही सस्ता आता है मार्केट में, तो इससे हमेशा आपकी रेसिपी में परफेक्शन रहता है, और सबसे बड़ी बात कि आप रेसिपी को इजीली घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे अपना कुकिंग क्रीम 150 ग्राम, आप अमूल क्रीम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वैसे तो हैवी क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, जिसका फैट परसेंट बहुत ज़्यादा होता है, 35%, पर आप अमूल क्रीम भी लेंगे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमने जो चॉकलेट मेल्ट की थी वाटर के साथ, वो इसमें अब हम डाल देंगे धीरे धीरे करके। ये भी हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस मिक्सर को बंद कर देंगे। हमारा मिक्सर हो गया है तैयार, अब हमें इन्हें बेक करने के लिए डालना है। तो ये मैंने पहले रिंग तैयार कर लिए हैं, दो एल्युमिनियम फॉइल लगा के। आप चाहे तो जो केक मोल्ड होते हैं उनमें भी तैयार कर सकते हैं, इसमें थोड़ा निकालने में थोड़ी ईजी रहता है, इसलिए मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ। गार्निश के लिए हम यहाँ पे ऊपर आलमंड लगा रहे हैं, आप चाहे तो वॉलनट लगा सकते हैं, चॉको चिप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी है, आपका जैसा मन करे। और अब हम ये बेकिंग में डालेंगे। बेकिंग करने के लिए 170 डिग्री, 40 मिनट मुझे लग रहे हैं, आपके ओवन में थोड़ा कम या ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। देख लेते हैं कितना डन हुआ है। 40 मिनट के बाद टूथपिक या बेम्बू स्टिक की सहायता से देखेंगे, देखिए ऑलमोस्ट 90% बेक हो चुका है, और इसको ऐसे छोड़ देंगे तो जो बचा हुआ है वो भी अपना बेक हो जाएगा। इसको हटा लेते हैं और रिमूव कर लेते हैं। ये जो डेविल केक है, आप चाहे तो अभी गर्मा गर्म चॉकलेट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको बनाने के बाद रैप करके डीप फ्रीजर में रख सकते हैं। जब आपको चाहिए इसे निकालें, कट करें, और माइक्रो मार के गर्म गर्म ऊपर से चॉकलेट सॉस डालें गर्म, और वनीला आइसक्रीम या चॉकलेट आइसक्रीम के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जाता है ये कॉम्बिनेशन। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।